देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट सेज दैट के F7 का जो पेपर है, इससे पहले स्टूडेंट के पास एक बेसिक अकाउंटिंग का पेपर अवेलेबल होता है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, विच इज प्रीवियसली F3। सो जो स्टूडेंट आ रहे हैं बेसिक्स पढ़ते हुए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ग्रुप अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक IAS 16, IAS 38, IAS 10, IAS 2 इन्वेंट्री। सो दे हैव ऑलरेडी स्टडीड, उनको कुछ ना कुछ नॉलेज इस पेपर से होती है। और ये पेपर प्री रेक्विजिट है हमारे इस पेपर के लिए, विच इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें साइड बाय साइड थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कॉरपोरेट एंड बिजनेस लॉ से भी मिलती है, ऑडिट एंड एश्योरेंस को भी ये सपोर्ट करता है, और फिर जो अल्टीमेट कनेक्शन इस पेपर का आपको आगे फायदा देगा, बेनिफिट देगा, वो होता है SBR। सो बेसिकली द फर्स्ट पेपर इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट पेपर इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड द सब्सिक्वेंट पेपर इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। एंड दिस पेपर FR इज प्राइमरली पेपर विच इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सबसे पहले जो भी हमारे पास सिलेबस मौजूद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उस सिलेबस को कैसे असेस किया जाएगा, उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर हम पेपर पैटर्न की तरफ चलेंगे। यू कैन सी दिस इज दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर सेप्टेम्बर 2022 टिल जून 2023 एग्जाम। ये तमाम स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है जो यहाँ पर मेंशन किए हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट द FR एग्जाम। सो यू कैन सी हियर अ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ कम इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सो प्राइमरली हमारे पास सिलेबस में IAS 1 है, IAS 2 है, 7 है, IAS 8 है, IAS 10 है। ये लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ रही है। तमाम स्टैंडर्ड्स जो FR के सेक्शन में लिखे हुए हैं, ये हमें स्टडी करने होंगे। देयर मेनी स्टैंडर्ड्स। बट अगर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं FR के टॉपिक्स की बात करूं, तो लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया, आप लोगों को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टडी करने जो कि इस डॉक्यूमेंट में दिए हुए IAS IFRS, इसके साथ हमें कवर करना है रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कवर करना है। हमें कवर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज IAS 7, एंड साइड बाय साइड वी हैव टू प्रिपेयर सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउ टू प्रिपेयर इंडिविजुअल कंपनीज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, एंड देन दी ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रीवियस पेपर में पढ़कर आते हैं, ये उसका एडवांस कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट हमें बनाना होगा और बैलेंस शीट बनानी होगी। साइड बाय साइड IASB फ्रेमवर्क, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। और यहाँ पर जो एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट मैंने आपको लिस्ट शो की थी, उसमें यहाँ पर हमारे पास कई IAS और IFRS हमारे पास मौजूद हैं। अब जो की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टडी, अगर हम उसकी एक लिस्ट पे बात करें,
की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो FR के पेपर के लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स कंसिडर किए जाते हैं, उसमें हमारे पास है IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच इज टेंजिबल नॉन करंट एसेट। ये F3 के अंदर स्टैंडर्ड ऑलरेडी कवर हुआ हुआ होता है, लेकिन FR में ये स्टैंडर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर एग्जामिनर जो है वो लाजमी सवाल पूछता है। तो दो चीज़ें स्टूडेंट को IAS 16 की बहुत केयरफुली बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। वन इज़ रिलेटेड विथ हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, डिफरेंट मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर ये आपको नहीं आता तो यू यू हैव टू स्ट्रगल, क्योंकि ये आता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है IAS 38, इंटेंजिबल एसेट। ये भी प्रीवियसली स्टूडेंट्स को F3 में पढ़ाया जा चुका है, सम वॉट सिमिलर टू IAS 16। उसके बाद हमारे पास एक और स्टैंडर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीवियसली स्टूडेंट्स के पास इसकी नॉलेज नहीं होती, एंड दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस अलॉन्ग विथ IAS 12 टैक्सेशन। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली IFRS 16 लीजिंग एंड IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन। देखिए हम दी मोस्ट स्टैंडर्ड्स की अगर बात करेंगे, दी मोस्ट स्टैंडर्ड की बात करेंगे, तो उसके अंदर इनमें से स्टैंडर्ड्स हमें कवर करने पड़ेंगे, जिसमें से हम कुछ F3 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने F3 में IAS 16 कवर किया, 38 कवर किया, 37 भी F3 में कवर हो जाता है। तो कुछ प्रीवियस स्टैंडर्ड डेप्थ में पूछे जाएंगे और जो नए स्टैंडर्ड्स होंगे जो स्टूडेंट पहली दफ़ा पढ़ता है वो अल्टीमेटली उसको बहुत अच्छी तरह से करने हैं, ताकि उसका पेपर में जो भी स्टैंडर्ड्स पूछे जाएंगे, जिस तरह से भी स्टैंडर्ड्स पूछे जाएंगे, वो उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एज फार एज दी पेपर पैटर्न इज कंसर्न, और कौन सा सवाल किस सेक्शन में आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा, तो आपके पास जो पेपर पैटर्न है देर आर 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जिन लोगों ने F6 या F5 या F9 F8 ऑलरेडी दिया हुआ है, दे अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न के ACCA के Part 2 का क्या पेपर पैटर्न है। सेक्शन ए में वी हैव 15 OTQs एंड ईच OTQ इज हैविंग 2 marks, सो द टोटल वेटेज इज 30 marks। ये जो सेक्शन आपके से पूछा जाएगा, ये सेक्शन किसी एक एरिया से नहीं आएगा, ये जो 15 OTQs हैं ये आपके इंटायर सिलेबस से बनते हैं। सिलेबस के किसी भी एरिया से सवाल पूछे जाएंगे एंड देयर विल बी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पर रेशियो से रिलेटेड सवाल भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड से रिलेटेड सवाल भी हो सकते हैं, कॉन्सोलिडेशन से रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में हमारे पास 3 OT केस होंगे, सिनेरियो बेस्ड 3 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच वर्थ 10 मार्क्स। सो 30 मार्क्स हमारे पास इस तरह से अवेलेबल होंगे सेक्शन बी में। इस 30 मार्क्स का अगर हम ब्रेकअप देखें तो ईच 10 मार्क कंप्राइजेज ऑफ, हर 10 नंबर के सवाल में वी हैव 2 मार्क
मल्टीप्लाई बाय 5 OTs। तो इस तरह ये 2 × 5 10 मार्क्स बनते हैं, यानी कि हर एक सवाल में आपके पास 5 OTs होंगे, लेकिन वो OT एक केस से रिलेट कर रहे होंगे, एक सिनेरियो से रिलेट कर रहे होंगे, वो एक सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और वो मल्टीपल स्टैंडर्ड मिक्स भी हो सकती है। फिर सेक्शन सी में हमारे पास देर आर 2 क्वेश्चंस एंड ईच वर्थ 20 मार्क, और यहां पर 3 टॉपिक टेस्ट किए जाते हैं नॉर्मली। एक टॉपिक यहाँ पे टेस्ट किया जाता है ग्रुप अकाउंटिंग, 20 मार्क्स का ग्रुप अकाउंटिंग का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर एक टॉपिक लाजमी टेस्ट किया जाता है, दिस इज कंपल्सरी क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट एज वेल। और तीसरा सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेट। तो इस 40 मार्क्स के लिए हमारे पास ये 3 टॉपिक्स अवेलेबल हैं, एंड दिस सेक्शन इज प्राइमरली आपको एक्सेल पे सॉल्व करना होता है। अगर कोई थ्योरी आती है तो आपको वर्क स्पेस में प्रोवाइड किया जाता है, आइदर आपको एक्सेल पे सॉल्व करना है या वर्ड पे सॉल्व करना है। जो भी स्पेस आपको दिया हुआ होगा उस स्पेस में आपको ये सवाल सॉल्व करना होगा। सो फॉर 60 मार्क्स देर इज नो वर्किंग नीडेड, वो सारे OTQs हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में। लेकिन जो लास्ट 40 मार्क्स हैं वो आपके वर्किंग पे डिपेंड करते हैं, और उस वर्किंग में जितनी वर्किंग आपकी ठीक होंगी उस वर्किंग के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। ये आपके एग्जाम में इस तरह से ब्रेकअप होता है सिलेबस में। अब इसको थोड़ा सा हम ऑफिशियली डॉक्यूमेंट से देखते हैं। सो यू कैन सी हियर द सिलेबस इज असेस्ड बाय अ 3-आवर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द एग्जाम विल कंटेन बोथ कंप्यूटेशनल यानी कि कैलकुलेशन एंड डिस्कर्सिव एलिमेंट थ्योरी, खासतौर पर इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज। सेक्शन ए कंप्राइजेस 15 OTQs वर्थ 2 मार्क ईच एज आई टोल्ड यू। सेक्शन बी कंप्राइजेस ऑफ 3 क्वेश्चंस ईच कंटेन 5 OTQs ऑफ 2 मार्क ईच। सेक्शन सी कंप्राइजेस ऑफ 2 CRQs दैट इज कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। नाउ The 20 mark question will examine the interpretation in ratios and interpretation, preparation of financial statement for either a single entity or group, sometimes combined. The section A questions and the other question in section B can cover any area of the syllabus. So we don't know, हमें ये नहीं पता कि section A में क्या आएगा, हमें ये नहीं पता कि section B में क्या आएगा, लेकिन जो important standards मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर हम उन स्टैंडर्ड को बेस बनाएं तो उसमें से कई ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन सेक्शन बी में आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी हाईलाइट कि सेक्शन बी में जो 3 क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं उसमें क्या लाइकली क्वेश्चन हो सकता है जो 10 नंबर का आ सकता है। उसमें दिस इज वन ऑफ द लाइकली क्वेश्चन, इस पर एक 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज अ 10 मार्क क्वेश्चन वन ऑफ द लाइकली। इसी तरीके से लाइक दिस कंबाइन विद दिस एंड समटाइम्स कंबाइन विद दिस, ये तीनों मिलाकर एक सवाल बन सकते हैं, एंड समटाइम्स इसके ऊपर भी एक सेपरेट सवाल बनाया जा सकता है। तो इन्हीं की स्टैंडर्ड्स में से कोई 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं मे बी एग्जामिनर अगर चाहे तो। अच्छा, सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होता है दिस इज ट्रिकी, क्योंकि जब आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिया जाता है तो बनाने को दिया जाता है, देखिए आपको इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट आपको क्या दिया जाता है, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के साथ आपको दी जाती हैं एडजस्टमेंट्स।
जो एडजस्टमेंट्स आपको दी जाएंगी 5 to 6, वो IAS और IFRS से रिलेटेड होंगी। स्टूडेंट स्ट्रगल हेयर, स्टूडेंट यहां पर स्ट्रगल क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपको एडजस्टमेंट्स वाले IAS IFRS नहीं आते तो आपकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं होंगी और एज ए रिजल्ट आप यहाँ पर स्कोर नहीं कर सकते। तो वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो नॉर्मली यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में आते हैं, अगर कॉमन स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो IAS 16 की एडजस्टमेंट आती है, IAS 38 की एडजस्टमेंट आ जाती है, IAS 12 की एडजस्टमेंट लाजमी होती है, IFRS 9 की एडजस्टमेंट लाजमी होती है, समटाइम्स IFRS 15 की, समटाइम्स IFRS 16 की। ये वो हैं जो मेजॉरिटी टाइम्स आते हैं। वैसे तो कोई भी स्टैंडर्ड की एडजस्टमेंट आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स आपको इनमें से कुछ 2-3 एडजस्टमेंट लाजमी क्वेश्चन में मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि एक 20 मार्क का सिंगल कंपनी का सवाल आए और जो मैंने लिस्ट यहाँ पे लिखी है उसमें से 2-3 स्टैंडर्ड ना हो। अब पेपर की तैयारी करने का तरीका ये होगा कि अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना, आपका फोकस किस पर होना चाहिए, आपका फोकस रेशो की कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कुछ कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशो, जो कि वन ऑफ द डिफिकल्ट एरिया, वन ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट स्ट्रगल, जहाँ पर स्टूडेंट प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। यहाँ पर आपको अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज और इंग्लिश जो आप लिखते हैं उसको भी इस्तेमाल करना है। दूसरा जो एरिया है जहाँ पर आपको फोकस करना है वो है ग्रुप अकाउंटिंग। बेसिक ग्रुप अकाउंटिंग आपको F3 में पढ़ाई जा चुकी है, इसमें आपको एडवांस ग्रुप अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी। तो ग्रुप अकाउंटिंग में आपको अपनी बेसिक्स को रिवाइज करना है और कुछ एडवांस इश्यूज हैं जो कि ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर पूछे जाएंगे कंबाइंड टुगेदर। इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, बेसिक और एडवांस ग्रुप अकाउंटिंग। फिर यहाँ पर आपके पास कुछ की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने बताए, IAS और IFRS। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज इम्पॉर्टेंट, ISB का जो फ्रेमवर्क है उस पर सवाल बन सकता है। ISB के फ्रेमवर्क की अपनी इम्पॉर्टेंस है, उस पर थ्योरी का सवाल बन सकता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थ्योरी का सवाल हो सकता है, और इट माइट बी अ क्वेश्चन इन सेक्शन बी अबाउट कि आपको फ्रेमवर्क और थ्योरी से रिलेटेड कोई सवाल दे दिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो अब जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े जाएंगे रेशो और कॉन्सोलिडेशन के अलावा, बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने, तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े जाएंगे वो इस माइंडसेट के साथ पढ़े जाएंगे कि आपको सेक्शन ए में भी आ सकते हैं, सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, और सेक्शन सी में आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने को दी जा सकती है। तो जब उस माइंडसेट के साथ हम जाएंगे पेपर में तो अल्टीमेटली हमें पता होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कैसे कैसे कवर करनी है, क्या क्या इश्यूज हमें हाईलाइट करने हैं। तो जो स्टैंडर्ड इन डेप्थ नहीं पढ़कर जाते, उसकी एडजस्टमेंट, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में कितना जाएगा, कैसे जाएगा, वो अल्टीमेटली यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम अल्टीमेटली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो स्टूडेंट जिनका स्टैंडर्ड वाइज ग्रिप अच्छी होती है, दे डू नॉट स्ट्रगल, उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज जिनको स्टैंडर्ड समझ नहीं आते, रेशियोज की इंटरप्रिटेशन वो सीखते नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने F3 के अंदर रेशोज पढ़ी हुई हैं एंड यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट रेशोज, सपोज मैं एक रेशो आपको देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि जी वी हैव बीन गिवन, और हमने कैलकुलेट किया है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पता है, हमने कैलकुलेट कर लिया एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और वो प्रीवियसली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 40% इन द ईयर 2020, और अब वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो चुका है 35% इन ईयर 2021। तो अब आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो गया, डिक्रीज तो ओवरऑल हुआ ही है, लेकिन आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को डिफाइन करना है,
आपको ये बताना है कि ये डिक्रीज क्यों हुआ, वाई, और वाई विद रिलेटेड टू सिनेरियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो, कि वहां पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आपको कनेक्ट करके बताना है कि इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरने का रीजन क्या है, वाई। एग्जामिनर आस्क के आपको वाई का आंसर करना है, रादर देन अब ये बता दें कि पहले 40% था, अब 35% हो चुका है, एंड दिस इज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, फाइन इनफ कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का डिक्रीज होना, लेकिन रीजन क्या है। तो जब हमें रीजन आइडेंटिफाई करने होते हैं तो हम पहले जर्नल रीजन की तरफ जाते हैं कि जीपी मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जी जीपी जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू जीपी। अब अगर फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉल हो रहा है तो उसमें एक रीजन ये हो सकता है कि या तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई प्रॉब्लम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप ब्लेम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी सेल्स में अंदर कोई प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। अब आपको केयरफुली देखना है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक नजर आएंगे। सेल्स जो हमारी निकलती है वो दो चीजों से निकलती है, सेल्स की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो जीपी मार्जिन हमारे पास इस दफा चेंज हुआ है उसके रीजंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल आपने रीजन आइडेंटिफाई करके दिया कि जी सेलिंग प्राइस हमने कम की है, सेलिंग प्राइस क्या हुई है, सेलिंग प्राइस इस दफा हमने कम की है, तो सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने की वजह से हमारे साथ मसाइल पैदा हुए हैं, हमारा मार्जिन गिरा है, तो ये रीजन आप बताएंगे। या आप ये रीजन बता सकते हैं कि जी इस दफा प्रॉब्लम ये आया कि हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो हमारी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। अब ये एक रेशो मैंने एक्सप्लोर की है, तो अगर आपको रेशो एक्सप्लोर करना आती है फॉर एग्जांपल, सो यू कैन सी के हमारी रेशो अल्टीमेटली हमें हमें आंसर ये करना है कि जी जो रेशो आ रही है अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन बताना है, रादर देन कि आप एग्जामिनर को कुछ ना बताएं सिर्फ रेशो कैलकुलेट करके दे दें तो एग्जामिनर आपको कैलकुलेशन के ज्यादा मार्क्स देने में इंटरेस्टेड नहीं। यहां तक कोई सवाल है तो पूछें। अब इन सारी चीजों को अगर कवर करना है इफेक्टिवली तो ऑब्वियसली बात है आपको रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, एंड देर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, जिन रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप एटलीस्ट 50 मार्क्स ले सकते हैं, और 50 मार्क्स से अल्टीमेटली यू कैन मूव फॉरवर्ड, ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो जो रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं उन रिसोर्सेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड लेक्चर्स अलॉन्ग विथ IAS एंड IFRS नोट्स, तो आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं और नोट से भी स्टडी कर सकते हैं, स्टडी टैक्स, और पास पेपर्स एंड रिवीजन पेपर्स। और सीबी स्टाइल पे प्रैक्टिस करने के लिए ACC के पोर्टल पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरह से एक्सेल वगैरह पे सवाल सॉल्व किए जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर उसकी प्रैक्टिस होगी तो अल्टीमेटली एग्जाम में इशू नहीं आएगा, और अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम में अगर आप बगैर प्रैक्टिस के जाते हैं तो आपको इशू आएगा। सो अभी मैं आपको जो ACC पोर्टल है
उसका एक विजिट कराता हूँ, और उसमें हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है, जो सोर्सेज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको हम देखते हैं एक नज़र, क्या क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ACC वेबसाइट पर F7 का क्या स्टफ़ मौजूद है, कौन से टेक्निकल आर्टिकल्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं, जिनको पढ़कर हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ग्रुप अकाउंटिंग को और दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करके इस पेपर में पहले अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं और फर्दर इम्प्रूव रिजल्ट के लिए जा सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और इसकी नॉलेज को हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है अगले पेपर में, विच इज़ SBR। तो SBR के लिए यू मस्ट नीड सम गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल IAS एंड ऑल IFRS, क्योंकि जब आप SBR के पेपर में जाएंगे तो SBR के पेपर में जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने छोड़े हैं यहाँ पर, वो और जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे के सारे एग्जामिनेबल होंगे। नाउ यू सी, अगर आप अपने ACCA पोर्टल पे लॉग इन होते हैं तो इस तरह से आपको कुछ पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप यहाँ से FR के पेपर को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास FR के पेपर से रिलेटेड ACCA ऑफिशियल रिसोर्सेस, ब्लैंक वर्क स्पेस दी हुई है, यहाँ से आपको कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ऑफिशियल रिसोर्सेज में जाते हैं तो आपके पास पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी है, ये सारे आपके पास सिलेबस के हिसाब से पास्ट एग्जाम्स अवेलेबल हैं, ये प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम FR प्रैक्टिस एग्ज़ाम 1 2, ये मॉक इस दफ़ा के लिए दिसंबर के लिए दिया हुआ था, सो ये आपके पास अवेलेबल है। स्पेसिमेन एग्ज़ाम आपके पास अवेलेबल है, और ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इफ़ आई गो फॉर एनी एग्ज़ाम, मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये मैंने असाइन किया अपने आपको, और ये असाइन हुआ, इसे मैंने स्टार्ट की। तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो ACCA के पोर्टल को भी ड्यूरिंग देयर स्टडीज इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉर्मली यूजुअली लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो जितना ज़्यादा आप इस पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे, इससे फेमिलियर होंगे, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी एडवांटेज मिलेंगे। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन सी हेयर कि आपको बिगनिंग ऑफ द एग्ज़ाम प्रोवाइड किया जाता है इस तरह से, इसको आप मूव करते हैं, एग्ज़ाम अपना स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास इस तरह का एक विंडो ओपन होती है। अब ये आपके पास यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस का अगर क्वेश्चन देखना है, विच इज़ लास्ट 2 क्वेश्चन, सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, और राइट साइड के ऊपर, और आपको कुछ रेशियोज दी हुई, और राइट साइड के ऊपर आपके पास रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करके रेशियोज को रिकैलकुलेट करना है 6 मार्क्स के लिए, और सेकेंड रिक्वायरमेंट में आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 कंपनीज, एंड योर आंसर शुड कमेंट ऑन द डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग अ परचेज डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन नोट 1 टू 5। यानी कि देखिए, 14 मार्क्स जो आपके पास अवेलेबल हैं ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन के, एंड 6 मार्क्स आर गिवन फॉर कैलकुलेशन। 20 मार्क्स का रेशियोज का सवाल है, जिसके लिए आपको ये वर्क स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, कि इस वर्क स्पेस में हम जो भी गिवन वर्क स्पेस है इसके अंदर रहते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये आपको यहाँ पे रेशोस की इंटरप्रिटेशन लिखेंगे इसी वर्क स्पेस के अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले 20 नंबर के सवाल पर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमें कंसोलिडेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। यू कैन सी, कैलकुलेट द गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ द कंपनी 6 मार्क्स, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सेप्टेम्बर 14 मार्क्स का, इंटायरली पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और कंसोलिडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाज़ दफ़ा उस पर पूरा सवाल आ जाता है, बाज़ दफ़ा उस पर पार्शल सवाल आता है, और बाज़ दफ़ा सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको रिप्लेस कर देते हैं। नाउ यू कैन सी, यहाँ आपको इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, साथ कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, इन एडजस्टमेंट्स को हम अप्लाई करके यहाँ मूव करेंगे, तो यहाँ आपको वर्क स्पेस यहाँ पर एक्सेल दिया हुआ है। अब आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है कंसोलिडेटेड,
वो आप यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर उसके नीचे इसकी पूरी वर्किंग प्रॉपर तरीके से होगी, जिसकी प्रैक्टिस सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, किस तरीके से हम इस पर काम करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे बनाना है, यही हमें वर्किंग करनी है एक्सेल को यूज़ करते हुए। और जब हम सेक्शन ए वगैरह सॉल्व करेंगे, बी सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम ये स्क्रैच पैड इस्तेमाल कर सकते हैं वर्किंग के लिए। इसके लिए हम यहाँ पर ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें कैलकुलेशन करनी है। मैनुअल कैलकुलेटर्स भी कुछ जगहों पर अलाउड होते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं नॉर्मली। तो और बाकी जो भी यहाँ पर चीज़ें हमें दी हुई हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्लोज करने का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट नाउ नहीं आ रहा, लेकिन ये क्लोज करने का हमारे पास ऑप्शन होता है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और इस तरह से आपका ये सेक्शन सी दो सवाल यहाँ पर। अब हम चलते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी को भी जरा चेक करते हैं, सेक्शन ए और बी हमारे पास किस तरह से आते हैं। सो इसी के अंदर अगर हम जाते हैं फर्दर प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर, तो हमें यहाँ पर हम प्रैक्टिस एग्जाम में लेटेस्ट प्री मॉक असाइन कर लेते हैं इस दफा का जो दिया हुआ था। या हमने जस्ट टू सी कि किस तरह सेक्शन ए हमारे पास आता है और किस तरह सेक्शन बी आता है, उसकी डिटेल आइडेंटिफाई करने के लिए, पेपर पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। अब दिस इज योर फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए। द सेक्शन ऑफ द एग्जाम कंटेन्स 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन वर्थ 2 मार्क्स, टोटल मार्क्स इज 30। अब हम यहाँ पर ये नेविगेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दिस नेविगेशन सेज दैट कि आपको ये जहाँ चाहे आप मूव कर सकते हैं पेपर में। सेक्शन ए के आपके पास 15 क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होगा, सेक्शन बी के आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट होगा। सेक्शन सी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 दूसरा क्वेश्चन। सो यू कैन जंप इन बिटवीन योर नेविगेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सीक्वेंशियल चलना चाहते हैं, नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज अंडर IFRS 16। अब ये IFRS 16 पे एक थ्योरेटिकल MCQ बना हुआ है। अब इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कोई भी रेंडमली आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है वॉट अमाउंट वुड बी चार्ज, ये भी लीजिंग का सवाल है। तो यहाँ पर आपको थ्योरी के सवाल भी मिलेंगे, कैलकुलेशन के सवाल भी मिलेंगे। नाउ दिस इज IAS 36 इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से हम इसको फर्दर फॉरवर्ड जाएंगे तो किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब ये रेशियो का हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। यू कैन सी जो कैलकुलेशन वाले सवाल हमारे पास हैं, जो सेक्शन ए में हमारे पास सवाल आते हैं, पूरे सिलेबस से ड्रॉ किए जाते हैं, सिलेबस के किसी भी पार्ट से कहीं से भी आ सकते हैं। एंड यू कैन सी कुछ सवाल बहुत डेटा बहुत कम है, कुछ सवालों में डेटा बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर फ्लैग फॉर रिव्यू। तो जो सवाल अभी हम नहीं करना चाहते हैं, हमें लगता है कि सवाल बहुत डिफिकल्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लैग फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हैं। नाउ अगर आप कोई नेविगेटर देखेंगे बाद में, तो इस नेविगेटर में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने क्या किया हुआ है, फ्लैग फॉर रिव्यू किया हुआ है, जो मैं बाद में देख सकता हूँ कि कौन सा सवाल मैंने अटैम्प्ट नहीं किया और वो फ्लैग फॉर रिव्यू में गया हुआ है। अब इसी तरह से कॉन्सोलिडेशन का यहाँ पर सवाल आया, तो कॉन्सोलिडेशन में हमारे पास यू कैन सी कॉन्सोलिडेशन सेक्शन सी में आना है, लेकिन कॉन्सोलिडेशन का एक गुडविल का कैलकुलेशन का यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। सो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पर स्क्रैच पेड में अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करने आती है, तो आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ NCI आपको फॉर्मेट पता है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, वर्किंग यहाँ पर भी आप शो कर सकते हैं, जिस तरह से भी करना चाहें। जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपको लगता है ये है
फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई सपोज ये है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट आपके पास, तो ये कैलकुलेट करके आपने गुडविल का आंसर निकाला, चेक किया आंसर अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आंसर, तो आपने टिक किया एंड यू मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से एमसीक्यूज वाला सेक्शन, इस तरह से हम पूरे सिलेबस अगर हमने अच्छी तरह से कवर किया हुआ होगा, सो देन देर आर चांसेस कि हम 15 में से मैक्सिमम एमसीक्यूज अगर कर लेते हैं, कोई आठ या आठ सवाल भी अगर हम कर लेते हैं एग्जाम में, तो हमारे पास 15 to 16 मार्क्स तो एमसीक्यूज में से अवेलेबल हो जाते हैं ईजिली। लाइकवाइज अब हम ये अगर देखना चाहते हैं कि जी सेक्शन बी में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी में हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, तो फिर हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कि सेक्शन बी में डायरेक्ट हम जंप करके जाते हैं। कोई पहला सवाल देखते हैं कि एमटीक्यूज किस तरह से आते हैं। इफ यू वांट टू जंप फॉर एमटीक्यूज, तो अब सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सेक्शन बी पे जंप करके देखते हैं। अब सेक्शन बी का स्टाइल डिफरेंट है, सेक्शन बी में एक सिनेरियो आपको दिया हुआ है। अब ये जो सिनेरियो आपको दिया हुआ है, ये सिनेरियो अगले जो बाकी पांच सवाल हैं उस सवाल पे चलेगा। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है 16 of 32, 17 of 13 to 32, तो ये पूरा सिनेरियो अगले पांच सवाल के साथ कनेक्टेड है, ओटी केस है हमारे पास। अब इसमें आगे जब हम मूव करते हैं, तो कुछ सवाल हमारे पास कैलकुलेशन के होते हैं, कुछ सवाल थ्योरी के होते हैं। जैसे ये कैलकुलेशन का सवाल नहीं है, ये थ्योरी का सवाल दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी अंडर IFRS 9। अब इसमें जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगते हैं, दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, तीन ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो जो भी लाइबिलिटी की डेफिनेशन हमें यहाँ पे मीट होती हुई नजर आती है उसको हम टिक कर देंगे। तो थ्योरी करना आसान होता है, लेकिन थ्योरी के लिए जरूरी है कि आपके पास स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड की नॉलेज नहीं होगी तो अल्टीमेटली हम थ्योरेटिकल पार्ट करेक्टली नहीं कर सकते। तो ये पेपर का, मैंने रियल पेपर का ओवरव्यू आपको दिया है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो सब्सिक्वेंटली इसको रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। अब ये देखें कैलकुलेशन का सवाल आते हैं। अब यहाँ पर भी आपको वर्किंग शो नहीं करनी, तो आप जो भी आपको कैलकुलेशन इस सिनेरियो को देख के करनी है, वो कैलकुलेशन आप स्क्रैच पैड पर वो कैलकुलेशन करके अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल कैलकुलेटर की इजाज़त है तो मैनुअली कर सकते हैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल, वरना आप ये कैलकुलेटर यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो भी कैलकुलेशन आ रही है उस कैलकुलेशन को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते। सो ये हमारी आज की डिस्कशन चल रही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड से रिलेटेड। अब नाउ आई विल गिव यू एन ऑप्शन कि आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो आई विल गिव यू एन ऑप्शन कि आप सवाल पूछ सकते हैं। क्लासेस वगैरह का जो स्केड्यूल है वगैरह वो आपको सब्सिक्वेंटली बता दिया जाएगा। दिस इज़ आर फर्स्ट सेशन, और इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक इंट्रोडक्शन किया जाए FR का, क्योंकि आजकल ACCA के अभी पेपर चल रहे हैं, कल एक पेपर बाकी है। तो अभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी, तो सो दैट जितने लोग अभी पेपर से फ्री होने वाले हैं वो नेक्स्ट वीक में हमें ज्वाइन करें और फिर एक प्रॉपर सेशन हमारा स्टार्ट होगा। सो मैं अभी आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड आंसर टाइम। यस प्लीज। जो लोग लाइव क्लासेस लेते हैं, तो ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं वो लेक्चर रिकॉर्ड होकर भी उनके पास अवेलेबल होंगे टिल दी एग्जाम डेट। किसी का कोई लेक्चर अगर लाइव मिस भी हो जाता है तो वो कोई वरी करने की बात नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रॉपरली अवेलेबल होते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डेड कोर्स पूरा भी अवेलेबल होता है, उसको भी टाइमली एक्सेस किया जा सकता है। जी एनी क्वेश्चन? सो सिलेबस वगैरह सारे बता दिए गए हैं। आज हम ऑफिशियली कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्री रेक्विजिट्स की बात की जाए तो प्री रेक्विजिट्स में हमारे पास जो अकाउंटिंग में बेसिक्स हमने वहाँ पर पढ़ी हुई हैं, हम अपना जो स्टार्ट लेंगे वो अपना प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज डेप्रिसिएशन।
और उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है नॉन करंट एसेट का, विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड, आई टोल्ड यू, डेप्रिसिएशन एंड टेंजिबल नॉन करंट एसेट, यहाँ से हम अपना स्टार्ट लेंगे। और अपना थोड़ा सा प्रीवियस जो बैकग्राउंड है डेप्रिसिएशन का, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन डेफिसिट, उसकी एंट्रीज वगैरह, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर देखेंगे कि कितना एफआर के अंदर इसकी डिटेल है, कितनी डेप्थ है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं वो स्टैंडर्ड सारे दोबारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। IS-10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, IS-37 प्रोविजन, 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, और ये सारे पेपर में आते हैं। इन्वेंट्री, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कोई भी चीज़ एग्जाम में दोबारा पूछी जा सकती है। तो पुराने वर्जन और जो चीज़ें नई आ रही हैं उनके बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। जी, एनी क्वेश्चन? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने ये पूछना था कि आप क्या कहते हैं, इसमें लेक्चर्स वगैरह थोड़े प्रोवाइड करेंगे हमें या सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज और क्वेश्चंस पे काम होगा? देखें, कोशिश ये होगी कि पूरा सिलेबस का मेजॉरिटी पोर्शन लाइव हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। सही है। और जो भी हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे अभी हमें पोर्टल दिखा रहा था सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए, तो हमारी कोशिश यही होगी कि सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन भी साथ चलेंगे हमारे, सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन भी चलेंगे, एज पर द टॉपिक। जिन टॉपिक की इंपॉर्टेंस सेक्शन ए टाइप में है वहां पर हम एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे, साथ एमटीक्यूज पे फोकस करेंगे। जो टॉपिक सीआरक्यू में आते हैं वहां पर हमारा फोकस सीआरक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। तो हम टॉपिक वाइज अपने, जैसे अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसकी रेलेवेंस जो है वो सेक्शन ए में भी बनती है एमसीक्यूज, इसकी रेलेवेंस सेक्शन बी में भी बनती है एमटीक्यूज, और इसकी रेलेवेंस सीआरक्यू में भी बनती है, ये एडजस्टमेंट के तौर पर आता है। तो अब जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है तो हम कुछ एमसीक्यूज भी साथ करेंगे इसके, कुछ एमटीक्यू भी डिस्कस करेंगे, और साथ सीआरक्यू की एडजस्टमेंट भी देखेंगे कि अगर एक सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल आता है तो उसके अंदर IS-16 कैसे टेस्ट किया गया, ताकि आपको पता हो गया यार जो स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन सीआरक्यू में कैसे की जाती। सही। अच्छा, कितने आवर्स की क्लास होगी? क्लासेस वगैरह की डिस्कशन के लिए अभी हमने ये सेशन नहीं रखा, वो तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्लासेस का सेशन टाइम वगैरह ये तो हमने अभी जर्नल क्वेरीज वगैरह के लिए क्लास रखी है, वो पूछें रेलेवेंट पेपर के बारे में, पेपर के बारे में कोई कंफ्यूजन है, पैटर्न के बारे में कोई कंफ्यूजन है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिसोर्सेस कौन से इस्तेमाल करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं फर्स्ट आवर के अंदर सब कुछ बता चुका हूँ, जो आप रिकॉर्डिंग के अंदर चेक कर लेंगे। सर, बुक का प्लान की यूज करें या बीबीबी की? बुक की भी सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है, ये रिसोर्सेस की लिस्ट चेक करें। बुक को मैंने सही। तीसरे नंबर पर रखा हुआ है, यानी ये बुक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके अंदर एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टेक्निकल आर्टिकल्स। तो बुक को हम लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, कुछ एरियाज के लिए हम बुक को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर हमने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोट से कवर कर लिया लेक्चर के अंदर, तो फिर उसको हम बुक से रेफर नहीं करेंगे, ना उस पर बुक में टाइम लगाने की ज़रूरत। अगर हमने उसको कवर कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है लेक्चर के दौरान, फिर वो मीनिंगफुल नहीं है कि उसको आप स्टडी टेक्स्ट से दोबारा पढ़ें, फिर आप डायरेक्ट जंप करें यहाँ पर सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन, और एक रिवीजन किट इज मोर देन इनफ। जो स्टूडेंट ये कहते हैं हम बीपीबी भी कर लें, तो एक रिवीजन किट आप करें सुकून से, देर आर सो मेनी क्वेश्चन, एक कर लें और उसको एक मरतबा और कर लें अगर आपके पास टाइम है। और साथ जो इसके प्रीवियस पास पेपर्स हैं जो रिवीजन किट में कवर नहीं हुए हुए, उसको देखेंगे हम। और जो ACCA के पोर्टल के ऊपर हमारे पास 2-3 प्रीवियस पास पेपर्स, 4-5-6 जो भी अवेलेबल हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो पोर्टल अवेलेबल है इसको स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं करते, और ये पोर्टल दिया गया है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इसको स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल लास्ट डेज में जाकर, जब उन्हें मॉक अटेम्प्ट करना होगा, और वो भी एक ही, जस्ट इफ दे हैव द टाइम। तो जो इस पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वो फेमिलियर होगा कि ACCA का एग्जाम कैसे होता है, और जब वो इसको यूज़ करेगा, इसके ऊपर MCQ सॉल्व करेगा, इसके ऊपर MTQ सॉल्व करेगा, इसके ऊपर एक्सेल की प्रैक्टिस करेगा, तो उसे ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। फिर वो फंक्शनैलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम हुई, टॉपिक में तो प्रॉब्लम हो सकती है, फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
और कुछ? जिन लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैकग्राउंड अच्छा है उन्हें थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है इस पेपर के अंदर, और क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, ग्रुप अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमारे पास इस सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। तो जो बिल्कुल ही ब्लैंक होकर आ रहे होते हैं वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम उनको होती है, लेकिन जो बेसिक बिल्कुल ठीक करके आ रहे हैं उन्हें पता है स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस क्या होता है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकालते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या पढ़ा हुआ है उन्होंने, वो नॉलेज अगर किसी के पास कैरी फॉरवर्ड है तो उसको F7 में इनिशियली तो ऐसा लगेगा हम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, और सब्सिक्वेंटली वो चीज़ें एड ऑन होती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी शेयर्स की अकाउंटिंग है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, राइट शेयर्स की क्या एंट्री होती है, बोनस शेयर्स की क्या एंट्री हो सकती है पॉसिबल, डिविडेंड की अकाउंटिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें प्रीवियस पेपर से यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होकर इस पेपर के अंदर शामिल है। ये ACC की वेबसाइट के ऊपर अगर आप F7 को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर देर आर सो मेनी टेक्निकल आर्टिकल्स, तो जिस स्टैंडर्ड के और जिस टॉपिक के टेक्निकल आर्टिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको एक दफ़ा रीड करना चाहिए लाजमी, ये बहुत अच्छे लिखे हुए होते हैं। लाइक देखें यहाँ पर हमारे पास सपोज एक टॉपिक है IS-37 जो हमारा प्रीवियस टॉपिक है, प्रोविजन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट। अब लेक्चर में आपने पढ़ लिया, किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा ये टेक्निकल आर्टिकल आप गो थ्रू कर लें तो जो डेफिशिएंसी अगर थोड़ी बहुत 19-20 रह भी गई होगी तो वो इस टेक्निकल आर्टिकल में बहुत अफेक्टिवली कवर हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट टेक्निकल आर्टिकल को भी लिफ्ट नहीं कराते। तो इस तरह हर हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे टेक्निकल आर्टिकल नहीं मिलेगा, लेकिन जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे टेक्निकल आर्टिकल लिखे जा चुके हैं उन स्टैंडर्ड्स को लाजमी है। जैसे इंटरप्रिटेशन में मैंने कहा स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, तो यहाँ पर एक टेक्निकल आर्टिकल अवेलेबल है हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर टू रेशियो एनालिसिस, क्योंकि 20 नंबर का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आना है, तो यहाँ पर कुछ टिप्स प्रोवाइड की गई है कि रेशियो का आंसर किस तरह से देना है, कैसे कंपैरिजन करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तो वो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाएगा तो अल्टीमेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और फेल होने की टेंशन एटलीस्ट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि FR एक ऐसा पेपर है जो कि फेल नहीं होना चाहिए, इतना मुश्किल पेपर नहीं है, बहुत डिसेंट पेपर है, इजीली एग्जाम में पास किया जा सकता है।